सो हे गाइस, दिस इज शिवेश शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 IIIT जिसमें नागपुर, भागलपुर, भोपाल, कांचीपुरम और अगरतला हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन 3IITs के लिए 2020 की क्लोजिंग रैंक क्या थी, कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज मैं आपको क्लोजिंग रैंक बताऊंगा सभी 3IIT के लिए। प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, हाइस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, 2019 बैच का भी प्लेसमेंट देखेंगे, 20 का भी देखेंगे और जो लेटेस्ट बैच है 2021, इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यानी डेप्थ में प्लेसमेंट रिकॉर्ड का एनालिसिस करेंगे इन 5 IIITs के लिए। यहां पे फीस कितनी लगती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3IIT की जो फीस है वो बच्चे पे नहीं कर पाते हैं। 3IIT की जो फीस होती है वो NIT के कंपेरिजन में काफी एक्सपेंसिव होती है और बच्चों को NIT नहीं मिल रहा होता है तो वो 3IIT में एडमिशन लेने की सोचते हैं। काउंसलिंग में भर तो देते हैं लेकिन जब एडमिशन मिल जाता है, फीस पे करने का नंबर आता है तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये वीडियो आपको ये बताएगी कि कितनी फीस आपको लगेगी। आपको फीस जानना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप 3IIT में एडमिशन लेने की सोच रहे हो। यहां पे स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, रैंकिंग क्या है, यानी ए से लेकर जेड तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन 3IITs के बारे में इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है, इसके पहले हमने एक वीडियो इसी तरह की NIT के लिए कर रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इस तरह की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें NIT, 3IIT और GFTIs के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 5-5 की सीरीज में आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 3IIT नागपुर के बारे में। तो 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। कनेक्टिविटी देखते हैं तो एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का है, रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस 3IIT में एडमिशन लेते टाइम आपको इंस्टीट्यूट फीस 1,21,600 पे करनी होगी। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 99,000 पर सेमेस्टर है। बात करते हैं हॉस्टल फीस की, तो 3IIT नागपुर की जो हॉस्टल फीस है वो काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपको सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर और 4 सीटर रूम मिलते हैं। सिंगल सीटर रूम के लिए आपको एडमिशन के टाइम पे जो हॉस्टल फीस पे करनी है वो 93,000 है, डबल सीटर के लिए 88,000, ट्रिपल सीटर के लिए 83,000 और 4 सीटर रूम के लिए 80,500। तो हॉस्टल फीस यार काफी एक्सपेंसिव है इस 3IIT की। बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो 2021 में इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 23 लाख का था। और कंपनियां देखते हैं तो यहाँ पे Amazon हो गया, Jio हो गया, L&T Infotech Level 1 Level 2 हो गई, TCS का डिजिटल प्रोफाइल, निंजा प्रोफाइल, R&D प्रोफाइल। तो आप यहां से जो कंपनियां हैं उन्हें देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। बात करते हैं 2020 का प्लेसमेंट जो कि इनका फर्स्ट बैच है, तो 2020 में इनका जो एवरेज पैकेज था वो 7.70 लाख का था, जो हाईएस्ट पैकेज था वो 20 लाख का था। कंप्यूटर साइंस से यहाँ पे 83.33% कैंडिडेट प्लेस हुए थे, ईसी से बहुत ही कम 58.82%, जो कि एक स्टेट कॉलेज का प्लेसमेंट परसेंटेज होता है, इतने ही परसेंट स्टूडेंट प्लेस हुए थे। एंड ओवरऑल 73.17% स्टूडेंट प्लेस हुए थे। तो इस 3IIT का जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट बैच का मुझे इतना इंप्रेसिंग नहीं लगा, क्योंकि जो फीस ये ले रहे हैं वो काफी ज्यादा है, काफी एक्सपेंसिव है। और इससे कम फीस पे कई स्टेट कॉलेज ऐसे हैं जो टॉप स्टेट कॉलेज हैं, वो इससे बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा देते हैं। हो सकता है ये कॉलेज आगे और इंप्रूव करे, क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज है 3IIT है। तो एंड अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो यहां से आप देख सकते हो 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 30,776 थी, ईसी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 47,279 थी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी क्लोजिंग रैंक यहां से आप देख सकते हो। बात करते हैं नंबर 2 पे 3IIT भोपाल की, तो 2017 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका जो अभी परमानेंट कैंपस है वो प्रिपेयर नहीं हुआ है, जो MNIT भोपाल है वहां पे इसकी टेम्परेरी क्लासेस चल रही हैं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है, भोपाल का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहां से डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है। फीस की बात करते हैं तो यहां पे आपको एडमिशन लेते टाइम 1,12,000 पे करना होगा। इनकी जो ट्यूशन फीस है वो पर सेमेस्टर 67,500 है, जो कि 3IIT नागपुर के कंपैरिजन में काफी कम है। 2020-21 बैच को इन्होंने ट्यूशन फीस में 25% का रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया है, जो कि स्कॉलरशिप टाइप में हो जाती है। बात करते हैं हॉस्टल फीस की, तो यहां पे आपको हॉस्टल में एडमिशन लेते टाइम 38,600 रुपीज पे करना होगा। बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो 2021 में इनका फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है और फर्स्ट बैच के लिए जो कंपनियां आई हैं वो कुछ खास नहीं दिख रही हैं। TCS निंजा है, MAQ सॉफ्टवेयर है, तो आप यहां से देख सकते हो कौन कौन सी कंपनियां विजिट की हैं। एंड 2020 का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो लगभग 3IIT नागपुर के ही बराबर थी, 30,967। तो इस रैंक पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, है ना,
आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं जहां पे आपको एक अच्छा ट्रिपल आईटी मिल जाता है, इनसे ऊपर ट्रिपल आईटी मिल जाता है, ब्रांच ईसी वगैरह मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होता है एडमिशन के पहले, जब आप काउंसलिंग करते हो तो उसके पहले ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर ईसी का कट ऑफ देखते हैं तो वो 48,558 गया था, एंड आईटी का जो कट ऑफ गया था वो 37,461 गया था। इसी तरह आप ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों का कट ऑफ देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। नंबर थ्री पर बात करते हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर की, तो 2017 में स्टेब्लिश हुआ था। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, 269 किलोमीटर का है। इसकी जो मेन कनेक्टिविटी है वो भागलपुर जंक्शन है, भागलपुर जंक्शन से इसका जो डिस्टेंस है वो 8.5 किलोमीटर का है। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पे एडमिशन लेते टाइम आपको टोटल 1,48,950 रुपीज पे करने होंगे, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट फीस भी इंक्लूड है, आपका हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है और मेस फीस भी इंक्लूड है। यहां पे जो ट्यूशन फीस है वो आपको पर सेमेस्टर 90,000 रुपीज पे करनी होगी। बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो 2021 में इनका फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था और फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, 17 लाख का पैकेज जो हाईएस्ट था ऑफर हुआ था अमेजोन की तरफ से। एंड कट ऑफ की बात करते हैं तो यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 50,801 थी, ईसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 62,334 थी, एंड मेकाट्रॉनिक्स के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 70,103 थी। तो यहां से आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए भी क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से और आपकी सीआरएल 4 लाख के आसपास भी आ रही है तो भी आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर में एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर फोर पे जो कि ट्रिपल आईटी कांचीपुरम है, तो 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। कनेक्टिविटी देखते हैं तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर का है, एंड रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर का है। रैंकिंग की बात करते हैं तो 2020 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 182 थी, 2019 में 197 थी। इसके पहले जो 3 ट्रिपल आईटी मैंने आपको बताएं उनकी रैंकिंग इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो अभी तक रैंक नहीं किए गए हैं। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो यहां पे आपको एडमिशन लेते टाइम इंस्टीट्यूट फीस 70,250 पे करना होगा। इनकी जो ट्यूशन फीस है वो सबसे कम मुझे लगी 60,000 पर सेमेस्टर। हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो एडमिशन लेते टाइम आपको 29,200 पे करना होगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है लाइक नागपुर हो गया, भोपाल हो गया, भागलपुर हो गया, तो उनकी फीस कितनी ज्यादा है, लेकिन ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की जो फीस है वो काफी अफोर्डेबल लगती है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया है, तीनों ट्रिपल आईटी से काफी बढ़िया है। यहां पे 42 लाख का ऑफर आया था अडोबी की तरफ से, अडोबी इंडिया की तरफ से 2 बच्चे प्लेस हुए थे, एंड अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको और भी कंपनियां दिख जाएंगी। प्लेसमेंट मैं आपको 2019 का भी बता रहा हूं, तो कंपनी वाइज यहां पे कौन सी कंपनी कितने का पैकेज लेके आई थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। यहां से आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का जो प्लेसमेंट है, जैसे एलएनटी का हो गया 4 लाख का था, इनकी प्रोफाइल 1 का, विप्रो हो गई 3.50 लाख, तो यहां से आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। बात करते हैं कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 17,727 थी, ईसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 27,835 थी, मैकेनिकल के लिए क्लोजिंग रैंक 44,183 थी। ट्रिपल आईटीडीएम कांचीपुरम, ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर, इन दोनों में आपको मैकेनिकल ब्रांच भी मिलती है, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 50,030 थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी आप यहां से क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, ओबीसी का भी क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। तो ये जो ट्रिपल आईटी है वो तीनों ट्रिपल आईटी के कंपैरिजन में मुझे काफी बढ़िया लगा, जो कि चेन्नई में है, कांचीपुरम में। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 जो कि ट्रिपल आईटी अगरतला है। ट्रिपल आईटी अगरतला 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर कनेक्टिविटी देखते हैं तो एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 26 किलोमीटर का है, एंड इसका जो मेन रेलवे स्टेशन है अगरतला जंक्शन, वहां से इसका जो डिस्टेंस है वो 21.5 किलोमीटर का है। अगर फीस की बात करते हैं तो इनकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो एडमिशन के टाइम पे आपको 1,06,200 पे करनी होगी। इनकी जो ट्यूशन फीस है वो पर सेमेस्टर 1 लाख है, एंड अगर हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो यहां पे एडमिशन लेते टाइम आपको 36,500 रुपीज पे करना होगा। प्लेसमेंट की बात करें तो 2018 में स्टेब्लिश हुआ है। अगर आपने इस बात को ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो फर्स्ट बैच है वो 2022 में पास आउट होगा। कट ऑफ की बात करते हैं तो यहां पे सिर्फ एक ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी 2020 में जनरल कैटेगरी की वो 54,431 थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 56,611 थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 67,489 थी, एससी के लिए
204,301 थी और एसटी कैटेगरी के लिए 308,280 थी। तो यहां से आप ट्रिपल आईटी अगरतला के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन पांचों ट्रिपल आईटी में मुझे जो सबसे बेस्ट ट्रिपल आईटी लगा, जो कि फेस के हिसाब से भी वर्थ इट है एंड प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया है, वो है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, इसके बाद ट्रिपल आईटी भागलपुर, फिर ट्रिपल आईटी भोपाल या फिर नागपुर, दोनों को आप एक साथ रख सकते हो, और लास्ट में हम रखेंगे ट्रिपल आईटी अगरतला को। तो ये पांचों ट्रिपल आईटी हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है वीडियो के लिए तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाजत, जय हिंद।